दुनिया को एनिमेशन की ताकत से रूबरू कराने वाले ऑस्कर विजेता जिन डिस का 95 साल की उम्र में 16 अप्रैल 2020 को निधन हो गया, जिनको मशहूर कार्टून करेक्टर्स टॉम एंड जेरी के कारण सबसे ज़्यादा पहचान मिली। जिन डिच की शुरुआती जिंदगी रोमांच से भरी थी। जिन डिच का पूरा नाम यूजिन मेरिल डिच था। उनका जन्म 1924 को शिकागो में हुआ। जिन डिच ने पढ़ाई पूरी करने के बाद सेना से जुड़े। वे बाद में सेना के पायलट को ट्रेनिंग देते थे। 1943 में डिच ने अपनी पहली पत्नी मैरी से मुलाकात की, जब वे दोनों उत्तरी अमेरिका विमानन में काम करते थे। उनके 3 बेटे किम, साइमन और सेठ डिच हैं। 1944 में उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हुई और उन्हें सेना को अलविदा कह दिया। अक्टूबर 1959 में प्राग पहुंचने के कई दिनों बाद डिच ने स्टूडियो ब्रेटी वी त्रिकू में प्रोडक्शन मैनेजर जेडेन का नजमानोवा से मुलाकात की, जहां उन्होंने काम किया और 1964 में डिच ने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी जेडेन का नजमानोवा थी। अपने करियर के दौरान जिन डिच ने एनिमेटर, इलस्ट्रेटर और फिल्म निर्माता के रूप में अपने काम के लिए कई प्रशंसाएं और पुरस्कार जीते। उनकी फिल्म मुनरो ने बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए 1960 में एकेडमिक अवार्ड जीता था। डिच दूसरी बार 1964 में भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। अपने बेहतरीन नॉमिनेशन के लिए जिनकी 4 बार ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिले। जिन ने पहले टॉम टैरिफ सीरीज बनाई थी, जबकि उन्होंने सिडनी के फैमिली ट्री को प्रोड्यूस किया था। दोनों ही सीरीज 1958 के एकेडमिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। एनिमेशन में अपने अतुलनीय योगदान के कारण साल 2004 में जिनको विंसर मैक के अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था। जिनको 1961 में उनकी फिल्म मुनरो के लिए ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया। जिन डिच ने टॉम एंड जेरी के 13 एपिसोड डायरेक्ट किए थे। उन्होंने पोपाय द सेलर सीरीज के भी कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए थे। डिच एनिमेशन के भगवान थे।